पाकिस्तान में बीएलए ने चीन पर फिर हल्ला बोला, चीनी ताकत का पुर्जा पुर्जा खोला। पाकिस्तान ने मांगी तुर्की से मदद, तुर्की बोला नहीं लेगा सिरदर्द। पाक फौज ने आपा खोया, डोभाल के डर में गला फाड़ रोया। सीपीईसी से दुनिया तक पहुंच बनाकर एक छत्र राज करने का सपना देखने वाले चीन की चिंताएं थमने का नाम नहीं ले रही। बलोच कभी उसके पाक दूतावास तक घुसकर जहां परिंदा भी पर न मार पाए वहां पहुंच जाते हैं, तो कभी चीनी इंजीनियरों को बेखौफ निशाना बना रहे हैं। 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन बलोच समस्या चीन का नासूर बनती जा रही है। न पाकिस्तान कुछ कर पा रहा है न चीन। ताजा मामला ग्वादर एरिया में बलोच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन का है, जिसमें उसकी स्पेशल कमांडो यूनिट माजिद ब्रिगेड ने चीनी नागरिकों पर हमला कर दिया है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी को निशाना बनाते हुए किए गए हमले में बीएलए ने 13 सहित 4 चीनी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि चीन ने प्रत्युत्तर में अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से स्पष्ट किया कि कोई भी चीनी नागरिक इस हमले में घायल नहीं हुआ। चीन के दावों की जांच के लिए उसके पुराने बयान ही काफी हैं। गलवान में भी शुरू में उसका एक भी जवान नहीं मरा था, लेकिन बाद में चीनी सैनिकों से पटे कब्रिस्तान ने उसे मुसीबत में ला खड़ा किया था। रूस से हुई झड़प में भी चीन इसी तरह बेनकाब हुआ था, जब साल 1969 में रूस चीन सीमा विवाद में चीन की गिदड़ भभकी से पैदा हुई झड़प ने 6 महीने में चले युद्ध का रूप ले लिया था। चीन को इसकी कीमत अपने 800 सैनिक गंवा कर चुकानी पड़ी, लेकिन चीन आधिकारिक तौर पर इसे 72 मानता है। डैमेज कंट्रोल और कॉस्ट कटिंग को लेकर चीन का अर्थशास्त्र विश्व से थोड़ा अलग है। खैर जो भी हो, इस घटना को 50 साल से ज्यादा हो गए, पर चीन ने दोबारा ऐसी कोई हिमाकत रूस सीमा पर नहीं दोहराई। यहाँ चीन की फाइनल वार्निंग को भी कैसे भूला जा सकता है, जो आज रूस के हर घर में कहावत के रूप में प्रयोग की जाती है। दरअसल सितंबर 1958 में जब ताइवान संकट के दौरान अमेरिका लड़ाकू जहाज ताइवान के ऊपर से गुजरते थे, तो चीन की चिंता बढ़ने लगती थी। ऐसे में उसने ऑफिशियली अमेरिका को एक लेटर लिखकर इसे प्रथम और अंतिम चेतावनी कहते हुए ऐसी किसी कार्रवाई के दोबारा होने पर परिणाम भुगतने को तैयार रहने को कहा था। घटना को 6 साल गुजर गए और इन 6 सालों तक अमेरिकी जेट ताइवान क्षेत्र में उड़ान भरते रहे। चीन ने इन 6 सालों तक यानी सितंबर 1958 से 1964 तक कुल 900 बार अमेरिका को अंतिम बार चेतावनी दी थी। इतिहासकार तंजिया तौर पर चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि इसके बाद अमेरिका को चीन की ताकत पर कोई शक नहीं रहा। आज यही घटना रूस में चीन की अंतिम चेतावनी के रूप में जानी जाती है, जिसका अर्थ है गीदड़ भभकी देना या औकात से ज्यादा बात कर देना। पहले से ही चीनियों में पाकिस्तान में बीएलए का इतना खौफ है कि वो कंपनी से तनख्वाह लिए बगैर करार तोड़कर खुद पैसा देकर जान बचाकर उल्टे पांव चीन भाग रहे हैं। चीन अपने लोगों को पाकिस्तान में बने रहने के लिए अब 4 से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे जमीन पर उतरने के लिए आदमी नहीं मिल पा रहे। पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा के बीच चीनी कामगारों पर कई बार हमले हुए, जिसने पाक फौज के साहस, शौर्य और सतर्कता की कलाई खोल कर रख दी। रही सही कसर चीन से मंगाई गई बख्तर बंद बुलेट प्रूफ गाड़ियों ने खोल दी। बीएलए ने चीनी माल और गाड़ी दोनों के ही परखच्चे उड़ाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अपनी जमीन पर वो विश्व की किसी भी ताकत को पांव जमाए नहीं देगा। फिर आखिरकार चीन की क्या ही हैसियत है? जिस सीपेक में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया था, जिस सीपेक को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत के विरोध के बावजूद भी गुजारा जा रहा था, आज 10 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम पूरा होता नहीं दिखता। तभी तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि बीएलए के पीछे डोवाल का दिमाग है। कश्मीर पर गला फाड़ने वाले तुर्की का इलाज तो भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर करना शुरू कर ही दिया है। तभी तो जब भाई बिरादर का हवाला देकर पाकिस्तान ने तुर्की को सीपेक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा, तो उसने दूर से ही सलाम कर लिया। चीन ने जहां सीपेक में पानी की तरह पैसा बहाकर प्रोजेक्ट को पूरा करने की हर संभव कोशिश की, बलूचिस्तान के लड़ाकों ने भी उसे उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। पाकिस्तान चाहे रो का रोना रोकर अपनी मजबूरी दुनिया के सामने रखकर साफ बच भी जाए, लेकिन चीन अपनी असफलता से जो खोएगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा।